दोस्तों, हाथरस गैंगरेप मामले को लेके कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ग्रेटर नोएडा के पास यूपी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत हाथापाई हुई और इस दौरान धक्का मुक्की में राहुल गांधी भी जमीन पे गिर गए थे। देखिए ये वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है। ये देखो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, गुरुवार दोपहर दिल्ली से कुछ दूरी पर जब दोनों नेताओं का काफिला ग्रेटर नोएडा के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गई। बता दें कि प्रशासन ने हाथरस की सीमाओं को सील किया और धारा 144 लगाई है। और यहाँ तक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें एक्सप्रेसवे पर गेस्ट हाउस में लेके गए हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस की ओर से अब राहुल और प्रियंका को हिरासत में तो अलग अलग जगह पे लेके जाया गया है। दोस्तों, अब देखने वाली यह बात है कि आगे का संज्ञान क्या लेती है यूपी की पुलिस इन दोनों को खिलाफ। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।